उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का बुधवार को अंतिम दिन था, जिसमें सभी प्रत्याशियों के द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट के द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भी अपना पर्चा भरते हुए चुनावी मैदान में उतर गए। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों के द्वारा मीडिया से बात करते हुए अपनी अपनी जीत का दावा किया गया। बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट ने आज रुद्रपुर में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उनके साथ सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी रहे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री धामी और अजय भट्ट ने रुद्रपुर के गांधी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। देखिए, 500 लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 500 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 500 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। मुख्यमंत्री धामी ने जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया तो वहीं पीएम मोदी की उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की सोच भी बताई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ही उत्तराखंड की 5 सीटों को प्रचंड बहुमत से जीतने का भी दावा किया है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने टिकट मिलने के बाद आज मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया और इसी दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए तमाम कमियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रहे अजय भट्ट पिछले 4.5 साल अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है और उनके द्वारा अपनी सांसद निधि भी 5 साल के कार्यकाल में सही से खर्च नहीं की गई। इन सब मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। नामांकन के बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन अब कौन कितने पानी में है ये तो जब मतगणना होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। भाजपा सरकार की पिछले 7 साल से राज्य में जो सरकार है उसका जो कुशासन है और खास तौर पर जो हमारे अभी सांसद हैं वर्तमान में, पिछले 5 साल से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लेकिन 5 साल से जो वर्तमान में हैं वो हैं, उनकी जो निष्क्रियता है, उनका जो कार्यशैली है, वो निश्चित तौर पर इस बार जनता बदलाव का मूड बनाकर बैठी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी हमारे नेता पर्ची ने आपको बताया, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो अग्निवीर जैसी एक योजना लाकर हमारे प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के नौजवानों को, जिनका सपना होता है कि वो फौज में जाएं, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी अगर करने की जरूरत पड़े तो करें, वो गर्व की बात होती है। लेकिन वो मौका भी उनसे छीन लिया है क्योंकि शहादत का उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।